सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमण लाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमण लाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्र वधु, श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र। मान लीजिए सासू ऐसी मिल गई, अब क्या करोगे? नहीं सासू लाओगे? नहीं मैं सासू को बदल दूंगी। पॉसिबल है सासू को बदलना? हाँ पॉसिबल है नेचर को बदलना। उसे नहीं बदल सकते, व्यक्ति तो वही रहेगा। किसके नेचर को? उसके नेचर को भी नहीं बदल पाओगे, अपने नेचर को बदलने से पॉसिबल हो जाएगा। अपने देखने के नजरिए बदलने से ही वो सब कुछ बदल जाएगा। तो कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है हम सबके साथ, उस पर हमारा कंट्रोल होता ही नहीं। बच्चे जो पेरेंट्स को तो नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, पॉसिबल ही नहीं। पेरेंट्स तो वही रहेंगे, सास ससुर वही रहेंगे, बेटा बेटी वही रहेंगे, बहू वही रहेगी। तो क्या किया जाए? दिन भर बैठ करके टेंशन लिया जाए? वो ऐसी है, सासू तो ऐसी है, हमेशा चिल्लाते रहती है, मुझे पसंद नहीं करती है, अथवा सासू माँ गाना गा रही है, ना जाने कौन से कर्म का उदय है, ऐसी बहू मिली है, भगवान किसी को ना दे। भगवान सबको ऐसे लोगों से बचाए, क्या होगा उससे? अब आपको उसी चार दीवारी में रहना है, उन्हीं के साथ रहना है, उन्हें आप छोड़ नहीं सकते, जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारना है। वो आपका पार्टनर है, पार्टनर को नहीं बदल पाओगे आप। कितने पार्टनर को बदलने की कोशिश करोगे? कितने तलाक दोगे आप? तलाक मतलब एक ही तो नहीं मिल रही है आज के जमाने में, तलाक की नौबत ही का। तो बात समझने की कोशिश करें, जीवन में हम, लाइफ में हम उन लोगों को नहीं बदल पाएंगे। और हम ये एक्सपेक्टेशन भी छोड़ दें कि हमारे साथ वैसे इंसिडेंट्स घटित ना हो, असंभव, हो ही नहीं सकता। घटित होंगे, न जाने कितने बार घटित होंगे। तो उसका सबसे अच्छा सरल सुंदर सा उपाय है हम उसे देखना सीख लें, देखते चले जाएं जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है उसे देखें। अब आप कहोगे कि महाराज जी उस समय सब याद नहीं आता है, जब ऐसा कुछ घटता है उस समय समझ में नहीं आता, उस समय ये सारी बातें ध्यान नहीं रहती है, उस समय हम भाव में बह जाते हैं, जब थोड़ी देर हो जाती है तब रियलाइज करते हैं अरे तो अब गुस्सा कर ही लिया। तो क्या उसका इलाज है? उसका इलाज है छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करना सीखें जानने और देखने की। छोटी छोटी सी प्रैक्टिस करें, अपनी पांचों सेंसेस को लेकर के, मन को लेकर के, जो भी है साक्षी भाव की प्रैक्टिस है, साक्षी भाव का अभ्यास, थोड़ा सा अभ्यास करें। मान लीजिए हमने किसी को देखा अच्छा नहीं लग रहा है, सोचना शुरू करें ना, वो चला जाएगा दो मिनट में। कोई शब्द हमने सुने, सुन करके उसे निकालना छोड़ें, एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसा अभ्यास करें ठीक है मैं 5 मिनट के बाद रिएक्ट करूंगा, एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा, 5 मिनट के बाद करूंगा रिएक्ट, लेकिन 5 मिनट के बाद करूंगा। मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं कि 5 मिनट तक मैं देख लूं उसे, बस 5 मिनट तक अपने आप को संभाल लूं, उसके बाद जैसा होगा करूंगा। रसना इंद्री से, जिह्वा इंद्री से आप जो खा रहे हैं उस टेस्ट को फील करें कि अभी टेस्ट कौन सा आ रहा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कड़वा है तो मैं अपना मुंह नहीं बिगाड़ूंगा, थोड़ा सा उस कड़वाहट को
समझने की कोशिश करूंगा, मीठेपन को जानने की कोशिश करूंगा, कितना मीठा है उसे जानने की कोशिश करूंगा, कितना उसमें छोंक डाला है उसे जानने की कोशिश करूंगा। यानी उसमें बहे नहीं, उस टेस्ट को भी सिर्फ पकड़ने की कोशिश करें। जो टेस्ट है हमारे पास, हमारे टंग में कुछ सेंसर्स होते हैं ना, पर्टिकुलर एक प्लेस होता है जहाँ से मीठा टेस्ट आएगा, एक जगह से नमकीन टेस्ट आएगा, एक जगह से मिर्ची वाला जाएगा, एक जगह से जो कसैला टेस्ट आएगा। तो जो भी हम खा रहे हैं, आप स्वीट खा रहे हैं, तो ये सोचे कि अभी मुझे मीठापन का जो स्वाद आ रहा है वो टंग के कौन से पोर्शन से आ रहा है, सिर्फ उसे पढ़ने की कोशिश करें थोड़ी देर के लिए। कड़वा लग रहा है, मान लीजिए करेला खाया, कड़वा लग रहा है, कितना लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, इसे अध्ययन करने की कोशिश करें। अब हमने एक दृश्य देखा, ग्रीनरी दिख रही है, हमने गार्डन में है, ग्रीनरी दिख रही है, तो अब अपने विचारों को पढ़ें कि अब ग्रीनरी देखने के बाद मेरे माइंड में कौन से थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, कम अच्छा, मैं इसमें बह रहा हूँ कि मैं इसे देख रहा हूँ, सिर्फ जान रहा हूँ। ने आंखों का जो विषय है इस प्रकार से बनाने का अभ्यास करें। शब्द हमने सुने, सॉन्ग हमने सुना, कोई भजन हमने सुना, अब भजन सुनने के पश्चात मेरा माइंड क्या कह रहा है, मैं इसमें बह रहा हूँ कि मैं उसके शब्द को पकड़ रहा हूँ कि उसके भाव को पकड़ रहा हूँ। जैसे आपने आरती पढ़ी, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, अब देखना करते ना आरती, पारस प्यारा पढ़ते ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। अब जब आपने एक ये लाइन पढ़ी, अब लाइन पढ़ने के पश्चात तुरंत देखने की कोशिश करें, मैंने जो कहा हे प्रभु आपसे लागी है लगन, तो मेरी लगन लगी है कि नहीं। आपने कोई अपशब्द सुना, किसी ने गाली दे दी, एक्स वाई जेड व्यक्ति ने कुछ कहा, अब सुनने के पश्चात अपने विचारों को पढ़े, मेरे मन में विचार बहुत बुरे पैदा हो रहे हैं उसके प्रति, कम पैदा हो रहे हैं कि अच्छे पैदा हो रहे हैं, कि मैं एकदम न्यूट्रल बना हूं, जो भी ठीक है आपके मन में बुरा विचार पैदा हो उसके प्रति, तो उस विचार बुरे विचार को देखे, पहले अध्ययन करें ये बुरा विचार आया है नहीं। आपने 2 सेकंड भी अध्ययन करना सीख लिया तो आपका रिएक्शन तुरंत नहीं होगा। तो हम उस प्रैक्टिस को बता रहे हैं कि कैसे हम माइंडफुल रहना सीखे लाइफ में। विदाउट माइंडफुल रहे हम इससे नहीं बच सकते, विदाउट साक्षी भाव लाए हम अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं कर सकते। एक और आसान तरीका है, अपनी ब्रीदिंग को सिर्फ देखने की कोशिश करें, श्वास जा रही है, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जा रही है, लंग्स में जा रही है, श्वास नलिका से होते हुए जा रही है, नाभि तक जा रही है। जब मेडिटेशन कराया जाता है तो ये प्रैक्टिस हमेशा कराई जाती है, अपनी श्वासों को देखना। क्यों दिखलाया जाता है, श्वास हमने ली, श्वास नलिका से, फिर वो लंग्स, धीरे धीरे भीतर तक और ब्लड में मिल रही है, उसको विजुलाइज करना। तो ये अभ्यास करते करते व्यक्ति एक दिन वहां पहुंच जाता है, फिर उसके साथ जो भी घटनाएं घटती हैं उसे भी वो देखने वाला हो जाता है। तो मेडिटेशन से सबसे ज्यादा लाभ होता है माइंडफुल होने का, साक्षी भाव लाने का। एक होता है हम बाहर की घटना को देख रहे हैं, लेकिन बाहर से अंदर की घटना को देखना कथनचित आसान होता है, और श्वास हमारी अपनी ही है। तो हम जब अपनी श्वास को देखना सीख जाएंगे तो हम बाहर के लोगों को भी देखना सीख जाएंगे। कुछ समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? तो ऐसा अभ्यास व्यक्ति करना शुरू कर देता है तो वो किसी के साथ भी क्यों ना रहे, कोई इसके साथ मिसबिहेव भी क्यों ना करे, तो थोड़ी देर के लिए वो उसके बिहेवियर को देखेगा, इसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, खराब है, बहुत खराब है, खराब है, हाँ अब मैं रिएक्ट कर रहा हूं। तो थोड़ी देर बाद आप रिएक्ट करोगे तो आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा, और जब इंस्टेंट व्यक्ति रिएक्ट करता है तो उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। थोड़ा हमें टाइम मिल जाता है समझने का। सुधीन जी बात समझ में आ रही है हमारी?
नहीं समझ में आ रही? आपने कल कहा था गुस्सा ज्यादा आता है, हाँ? आप तुरंत रिएक्ट कर दें? थोड़ा सा एक इस प्रैक्टिस को करें, सबसे आसान प्रैक्टिस है, अपनी श्वास को लेते हुए देखना है, छोड़ते हुए देखना है, एक प्रैक्टिस। पांचों सेंसेस, पांचों इंद्रियों का प्रयोग करना है। जब मैं किसी दृश्य को देख रहा हूं, मैंने टीवी देख रहा, देखिए मान लीजिए, अब उसमें कोई सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग देखते समय, उस कैरेक्टर को देखते समय मेरे मन में क्या विचार पैदा हो रहे हैं, उन विचारों को पढ़ना सीखे। किसी सॉन्ग को सुनते समय, कर्ण इंद्रिय से मैंने सुना, सुनने के बाद उन बोल, उन शब्दों को सुनने के पश्चात, उस सॉन्ग के बोल को सुनने के पश्चात मेरे मन माइंड में क्या भाव पैदा हो रहे हैं, उन भावों को पढ़े। मैंने कुछ खाया, मीठा नमकीन व्हाटएवर, खाने के बाद मुझे अच्छा लगा तो कितना अच्छा लग रहा, किस प्रकार से लग रहा है, बुरा लग रहा है तो बुरेपन को भी देखें, टेस्टलेस वस्तु कोई अच्छी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, तो ये पढ़े कि मेरे मन में कौन सा विचार आया, अच्छा सा विचार नहीं आया तो बुरा विचार भी पढ़ने की कोशिश करें। कुछ हमने सूंघा दुर्गंध को, एकदम रास्ते में चल रहे हैं, कोई चूहा मरा हुआ था, एकदम दुर्गंध आने लगी, हो जाता कई बार, तो आप क्या करते, तुरंत रुमाल निकालते हैं मुंह में रखने, नहीं, उस दुर्गंध को आने के पश्चात यह समझने की कोशिश करिए, गंध मेरे मन में क्या इफेक्ट पैदा कर रही है। आपने किसी को टच किया, टच करने के बाद इसका ठंडा फील हुआ, गर्म फील हुआ, ठंडा है सपोज, आज ठंड के दिन है, ठंडा, अच्छा सा नहीं लगा, तो जो मुझे अच्छा नहीं लगा इस भाव को समझने की कोशिश करें। तो पांचों इंद्रियों के प्रयोग से, फिर श्वासोच्छ्वास को देखने के प्रयोग से, फिर मन में जो किसी की स्मृति आ रही है, कोई घटना याद आ रही है, उस घटना को याद करते समय थोड़ा सा पढ़ना सीखें, यानी कल हमने यहां कहा था एक में दो होना सीखें, हम हैं एक लेकिन हमारे विचार हमसे अलग है, उसे देखना सीखे, यानी मैं उन विचारों को देखने वाला हूं, मैं उस टेस्ट को लेने वाला हूं, मैं उन शब्दों को सुनने वाला हूं, मैं इन आंखों से उस दृश्य को देखने वाला हूं, मैं इन हाथों से इस को छूने वाला हूं, मैं इस नासा से सूंघने वाला हूं। तो एक घटना होते हुए भी हम दो हो जाए, यानी कि हमारे विचार अलग और हम उसको पढ़ने वाले अलग। जब इतना डिफरेंशिएट हम करना सीख जाएंगे तो यहीं से भेद विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है मेडिटेशन से, साक्षी भाव का ध्यान करेंगे, माइंडफुलनेस, कैसे हम रहें, साक्षी भाव से कैसे हम अपने आप को देखें, अपनी ब्रीदिंग को देखें, अपने थॉट्स को देखें। अब आप कहोगे विचार करने वाला भी मैं और विचार को देखने वाला भी मैं, तो मैं दो को दो कैसे देख सकता हूं? नहीं हो सकता है। जैसे आप कुछ बोलते हैं तो सोच करके बोलते हैं ना, आपने पूजा की पंक्ति पढ़ी है, नमो अरियंताणम आपने कहा, तो एट द सेम टाइम आपका माइंड ये भी सोचता है ना, नमो अरियंताणम मतलब अरिहंत भगवान को नमस्कार हो, आप कह भी रहे हैं और सोच भी रहे हो कि नहीं, होता है कि नहीं? अब हमारे मन में महावीर भगवान की प्रतिमा को देख करके ये भाव आया है, ये महावीर भगवान की प्रतिमा जो है 5 फीट की है, पद्मासन में बैठी हुई है, ऑरेंज कलर की है, हम देख रहे हैं और साथ में चिंतन भी कर रहे हैं, होता है ना, हमने आंखों से भगवान की प्रतिमा देखी और साथ में हमारे माइंड में क्या चल रहा, पद्मासन प्रतिमा है, 5 फीट की है, नासाग्र दृष्टि है, तो ये चिंतन, अब हम इस चिंतन को भी देखने वाले हो जाएं, थोड़ा सूक्ष्म विषय है पर है बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी जिस व्यक्ति की, वह व्यक्ति संसार में रहते हुए हर घटनाओं से अपने आप को डिटैच करना सीख जाएगा, फिर उसका रिएक्शन इंस्टेंटली नहीं होगा। 5 इंद्रियां प्लस मन प्लस श्वासोच्छ्वास, 7 चीजें हैं। फिर बाकी की जो दुनिया में बाहर घट रही वो तो अलग ही हो गई हैं।
अब उनके शब्द कहने के पश्चात जब हमने सुने, अब वो हमारे भीतर आ गया, उन्होंने तो कह करके मुक्ति पा ली, लेकिन अब उससे सुन करके हम क्या क्या विजुलाइज करने लगे, उस विजुलाइजेशन को देखना शुरू कर दें। तो एक मेडिटेशन के माध्यम से, एक विजुलाइजेशन के माध्यम से और एक एफर्मेशन के माध्यम से, तीन तरीके हैं, इन माध्यम से हम अपने आप को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या, बोलिए, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल, फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग वियोग की क्षण, घबराने से क्या घबराने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में सुखी दुखियों पल पल होना, सुखी दुखियों चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिका आखिर मिलता क्या आखिर, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या ओ क्या, पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पक तू पाएगा क्या तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो, हमको क्या हमको क्या हमको क्या, बोले देवादिदेवी 1008 श्री महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिचकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार पुत्र पुत्रवधु, श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन पिंपल गाँव महाराष्ट्र।